हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू। एंड कैसे हैं आप सब? तो पहले तो मिली हमारी मेम साहब से। मेम साहब हाय कर दो। ओके, सो ऑलरेडी मैं अपनी बेटी के बर्थडे का पार्ट वन अपलोड कर चुकी हूँ एंड नाउ टाइम टू अपलोड द पार्ट सेकंड, जिसमें 27th की डे में हमने घर पे पूजा रखवाई थी। पूजा में हमने मतलब यहाँ पर जो आनंदवासी आनंदपुरवासी जो गुरुजी हैं उनका सत्संग कराया था। तो सत्संग का मैं प्रॉपर वीडियो पूरा नियर अबाउट 2 आवर्स का है, वो इसमें अपलोड कर दूँगी। जो रिलेटिव्स भी हैं जिन्हें पूरा देखना होगा वो देख सकते हैं। डांस का भी है उसमें, सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, मैं कुछ कॉमेडी के शॉर्ट्स भी आजकल अपनी बेटी के साथ डाल रही हूँ। तो हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं मेम साहब एंड मेड। ओके, एंड थर्ड पार्ट जो होगा ग्रैंड पार्टी होगी, जो हम लोगों ने कराई थी द ग्रैंड पार्टी रूम में। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आती है तो कीप सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जो गुरु चरणी आए मेरे स्वामी।
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे श्याम जी दा हारा वाले दा ओजा है दवारा मोरा दाते होन पूरिया ए दवारा ए दवारा जग तूने आया मोरा दाते होन पूरिया मेरे श्याम जी दा हारा वाले दा I'm gonna
Thank you.
Thank you.
महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार के श्री परमहंस महाराज की। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। मैंने सत्संग कराया तेरे लिए, मैंने सत्संग कराया तेरे लिए, मैंने सत्संग कराया Yeah।
Yeah.
मनिहार का वेश बनाया, शाम चोरी बेच ले आया, जलिया का वेश बनाया। Thank you.
Thank you.
बोल जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की साचे। बंधु चरण सरोज गुरु मुझ मंगल आगाए, जैसे मति नर होते जल सागर से पार, गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाश ताजे सर में अरण में ध्यावते सब संते, बिंदोते वंदना नित्वार सर्व कला समर्थे, दोलन तेरा खो प्रभु जल नानक दे कर हाथे, निम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए, निम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरु को इसी प्रकार अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री तत्व देव दाता दीन दयाल जी के श्री चरणार बिंदु में लगाते हुए हित चित से बड़ी प्रेम भरी और मीठी स्वर में अपनी समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और मुखरचना को परम पवित्र बनाते हुए प्रेम पूर्वक और मधुर स्वर में समीर कर इंसान बोले जयकारा श्री गुरु महाराज। महापुरुषों ने वाणी में वचन लिखे है, सत संगति कैसे जाइए जिथे इसको नाम बखाइए, कि वाणी में शब्द क्या है कि संगत कैसी हो। संगत तो बहुत तरह की होती है नहीं, अगर कोई जुवानी है नहीं, उसे जुआ खेलने की आदत लग जाए या उसके पास खड़ा है तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, उसे उसने खेला नहीं है, उसने क्या करा है, पास खड़ा हुआ है, उसे उसको क्या नाम दे देंगे। ये भी अगर कोई शराबी है, शराबी के पास खड़ा भी होगा ना, उसको क्या नाम मिल जाएगा, नहीं। इसी प्रकार महापुरुषों ने क्या इशारा करा है, अगर कोई भूले से भी किसी गुरुमुख की संगत कर लेगा, उसके संग आना जाना शुरू कर देगा, उसे उसको कौन सा नाम मिल जाएगा, ये भी सत्संगी है। उसे क्या नाम मिल जाएगा, ये भी सत्संगी है। कि देखो संगति का असर कितना है, किसका असर है, ये केवल संगति का। कहा गया है संग तारे और संग डोपे, कि गुरु नानक देव जी बैठे हुए अंदर बैठे तो बाहर रेड़ी पे एक व्यक्ति संतरे बेच रहा, तो वो जोर जोर से आवाज लाए संतरे ले लो, क्या आवाज लगाए संतरे। तो महापुरुषों ने कहा कि बाहर क्या है, बाहर क्या बेच रहा है, उसने कहा स्वामी जी संतरे बेच रहा है।
नहीं तो ध्यान से सुन क्या दे रहा है या नहीं स्वामी जी संतरे दे रहा है। महापुरुष ने छोटे से नुक्ते में क्या कह दिया कि ध्यान से देख कह रहा है संतरे यानी संग तरे कि जिसने महापुरुषों की संगत कर ली गुरु मुखों की संगत कर ली वो नीचे ही तर रहे। ऐसे एक व्यक्ति था एक जैसे किसी को सत्संग में जाने की लगन लग जाए ना वो सत्संग में जाए बिना जैसे ये बहन जी का प्रेम है नहीं सत्संग बुक कराया उस समय नहीं पता था कि महात्मा जी भी अनंतपुर है। बाद में जब पता चला ना कि महात्मा जी तो अनंतपुर गए हैं तो मैंने बहन जी का कहा कि पूछ लो कि महात्मा जी तो है नहीं सत्संग। कहते नहीं सत्संग तो बुक हो गया है सत्संग तो नहीं लगन है ना किससे प्यार है गुरु महाराज जी से प्यार है तभी तो ये मन में फुरना आई ना नहीं तो कई कह रहे थे महात्मा जी ने तो हमने सत्संग भी नहीं कराना। तो एक प्रेमी जिसे सत्संग की लगन लग जाती है ना वो सत्संग में जाए बिना क्योंकि उसके अंतरात्मा क्या कहती है उन लगन लगे की करिए ना जी सकिए ना मरिए कि जिसके अंदर इतनी प्रेम लगन लग जाती है ना वो फिर उसे पूरा किए बिना। तो ऐसे एक भक्तियानी थी जिसे सत्संग में जाने की बड़ी लगन बड़ा शौक इतना शौक उसे सत्संग में जाने का कि वो सत्संग के बिना नहीं रह पाती। एक बार क्या हुआ उसकी तबीयत खराब हो गई वो इतने ज्यादा बीमार हो गई कि वो चाहकर भी सत्संग में ना जा पाए। अब दिल करे सत्संग का टाइम हो गया अब आरती हो रही होगी भजन बोल रहे होंगे सत्संग शुरू होने वाला होगा ध्यान पूरा इतने में क्या हुआ उसके भगत आता है उसका भगत आता है तो वो कहने लगी कि आज मैं आपको एक बात कहूँ आप मेरी बात मानोगे वही मानूंगा तो सच्ची मानोगे ना बिल्कुल मानूंगा कि आज ना मैं सत्संग में नहीं जा पा रही मेरी जगह ना आप सत्संग में मेरी जगह आप सत्संग में। अच्छा मैं तो कभी सत्संग में गया ही नहीं हूँ ठीक है जो जिस क्लास में जाएगा इन से क्या पता कैसे बैठना है उसे तो बच्चा जब तक स्कूल ना जाए उसे पता चलेगा क्लास में कैसे बैठना है धीरे धीरे स्कूल जाएगा क्लास में बैठेगा तभी उसे पता चलेगा कि मुझे क्लास में। तो भक्तियानी क्या कहती है आपने कुछ नहीं करना महापुरुष आएंगे जैसे जैसे संगत करती जाएगी ना आप वैसे वैसे करते जाना ठीक है। तब क्या माँ वो सत्संग में गया जाके क्या देखता है सारी संगत बैठी हुई है वो भी बैठी है। थोड़ी देर बाद संत आते हैं वो संत ना आंखों से नबीने थे उन्हें आंखों से नजर नहीं आता था लेकिन बड़े पहुंचे हुए थे। उन्होंने संगत से जब संगत सारी आ गई उन्होंने पूछा सब आ गए हो मैंने पूछा सब आ गए हो सब ने कहा जी स्वामी जी सब आ गए। तो महापुरुष ने वचन फरमाए जैसे महापुरुष आए सब खड़े हुए तो महापुरुष ने वचन फरमाए सब बैठ जाओ क्या वचन फरमाए सब बैठ जाओ सब महापुरुषों की आज्ञा से सत्संग में बैठ गए। अब सत्संग में सब बैठ गए महापुरुषों ने वचन प्रवचन करने शुरू करे। अब जिसको तो जिसको सत्संग में बैठना आता होगा ना उसे सत्संग की हर बात की समझ होगी और जिसे सत्संग में बैठना नहीं आता ना तो वो आकर भी कोई लाभ नहीं उठा। अब क्या हुआ महापुरुषों ने तो प्रवचन करने शुरू करे उधर वो प्रेमी आराम से पेट लगाई आंखें बंद करी और से क्या ले सत्संग में भी तीन प्रकार के व्यक्ति आते हैं। सत्संग में भी
तीन प्रकार के व्यक्ति आते हैं, एक होते श्रोता, एक होते श्रोता, एक होते हैं श्रोता, ठीक है ना। श्रोता तो वो हुए कि जिन्हें चाहना है, कि जिनका सत्संग में बैठ के ध्यान इधर उधर उसकी तार मालिक के साथ क्या होती है, नहीं उसको क्या होती है, चाहना होती है, लगन होती है कि मेरे सत्संग के एक एक वर्ड पर ध्यान देना है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोल साचे दरबार की। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। हाँ जी बोलो जी, बैठ जाओ या अंदर चले जाओ। अब बताओ सत्संग में कहाँ पे थे, कहाँ पे थे, नहीं कहाँ थे, यानी जिन्हें चाहना होती है, जिन्हें सत्संग में आनंद आने लगता है ना, उन्हें हर बार अच्छी लगती है। और कुछ आते हैं श्रोता, यानी ये देखते हैं उनके घर सत्संग कैसा हुआ था, उसने साड़ी कैसी पहनी थी, वो कैसे बैठा था, वो कैसे नाच रहा था, वो कैसे चल रहा था, उन्होंने सत्संग कैसे करा, यानी सत्संग में आकर भी क्या ढूंढते रहे, कमियां क्या ढूंढते रहे, सत्संग में आके महापुरुषों के दर्शनों का वचनों का लाभ नहीं उठाया, क्या ढूंढे, क्या ढूंढते रहे, नहीं एक व्यक्ति गया समुन्दर के पास, गया उसे बड़ी तेज प्यास लगी, समुन्दर के पास गया, प्यास लगी, पानी पिया, पानी पी तो लिया, पीने के बाद क्या कहता है समुन्दर, तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। थोड़ी आगे गया, एक बाग में पहुंचा, बाग में कोयल कू कू कर रही थी, कोयल की आवाज सुन के क्या कहते है, कोयल तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। थोड़ी आगे जाते हैं, फूल सुंदर सुंदर लगे हुए, फूल तोड़ता है तो कहते हैं, कहने लगा अगर फूल तुम्हें कांटे ना होते तो तुम कितने अच्छे। इतना कहने की देर थी, तीनों के तीनों प्रकट हो गए, तीनों के तीनों प्रकट हो गए। तो आके क्या कहते हैं कि ए मानव, अगर तेरे में कमी देखने की आदत ना होती तो तू कितना नहीं। कुछ व्यक्ति ये आते कि केवल ये ही देखते हैं कि वहां पर कैसा हुआ, वहां पर यानी सत्संग में आके भी सत्संग का लाभ। और कुछ ऐसे होते हैं कि बस घर में नींद पूरी नहीं होती। एक व्यक्ति गया, महाराज जी आपके अब दोबारा सत्संग कब होगा, भागवत हो रही, कहने लगा दोबारा भागवत कब होगी। संतों ने सोचा कि ये बड़ा प्रेमी है जो इतनी चाहना रख रहा है कि कब होगी भागवत, कब होगी, कहा कि फलानी फलानी तरीको फलानी फलानी जगह पर दोबारा से भागवत शुरू होगी। तो संतों ने पूछा तुम्हें अच्छी लगी, तो कहने लगा ये तो मुझे पता नहीं अच्छी लगी है कि नहीं लगी, घर पे लाइट आती नहीं और यहाँ लाइट जाती है, मैं तो आता हूँ, एक वो पिलर लगा होता है जो उस पे टेक लगाता हूँ, आराम से ढाई तीन घंटे अपनी नींद पूरी करता हूँ, जब संगत उठती है प्रसाद लेता हूँ मैं, यानी मैं कोई आपका सत्संग सुनने भागवत सुनने, मैं तो केवल आपकी ये ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए ही। ऐसे उसने भी क्या करा, वो व्यक्ति सत्संग शुरू हुआ वो भी सो गया। अब पूरे सत्संग में उसने क्या करी, पूरे सत्संग में सोया था, सत्संग खत्म हो गया। अब जैसे सत्संग खत्म हुआ ना, हड़बड़ आके जैसे किसी को टच हो जाए, एकदम हड़बड़ आके उठा, क्या देखता है संगत खड़ी है लाइन में लगी हुई है, वो क्या ले रही है प्रसाद ले रही है, ये बंद कर दी देना चाहिए। बंद कर
क्या, वो प्रसाद लिया, वो भी उठा और प्रसाद लिया। प्रसाद लिया, संतों ने कहा अब सब जाओ। वचन क्या करना दिए अद्भुत अद्भुत। अब पूरे प्रसाद लिया वापस घर आया, पूरे रास्ते सोचता रहा कैसे संत है, इन्होंने तो सत्संग नहीं करा, इन्होंने तो कोई समर्थन ही नहीं करा। दक्षिणी कहती है माँ कुछ सत्संग करेंगे, मुझे सत्संग सुनाना आके, इन्होंने तो कोई सत्संग दे ही नहीं। और पूरे रास्ते सोचते 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 घर पहुंचा, घर जाते जाते टाइम बड़ा हो गया, टाइम हो गया। उधर क्या दक्षिणी को क्या इंतजार करी थी कि कब आएंगे और कब आके मुझे सत्संग सुनाए। अच्छा भक्तियानी ने आते ही चलिया को सबसे पहले क्या पूछा कि आज सत्संग से आ गए हो, आप सत्संग से आ गए हो। तब कहने लगी कि हाँ सत्संग से आ गए, तेरे अच्छा हाथ मुंह धो लो, खाना लो और मुझे सबसे पहले ये बताओ महापुरुष ने सत्संग क्या किया, महापुरुष ने सत्संग क्या किया। कहने लगे महापुरुष ने तो सत्संग किया ही नहीं, कहता महापुरुष ने तो सत्संग नहीं किया। कहते नहीं, कहते उन्होंने तो केवल पहले क्या बोला, सब आ गए हो, क्या बोला था सबसे पहले, इतने में क्या गेट खुला हुआ, रात का टाइम था, गेट खुला हुआ, सब देख के बड़े हैरान। गेट खुला होने के बाद क्या हुआ, चोर अंदर आ गए, चोर अंदर आ गए। चोरों को लगा कि ना इन्होंने ना हमें देख लिया है, इन्होंने हमें देख लिया है, इसीलिए ये हमें क्या कह रहे हैं, सब आ गए हो। क्या कहते हैं दूसरे वचन संतों ने क्या बोले थे, सब उन्होंने कहा, फिर उन्होंने बोला सब बैठ जाओ। चोरों ने सोचा हमें बड़े प्यार से कह रहे हैं बैठ जाओ, भलाई इसी में है कि हम बैठ गए आराम से। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद संतों ने कहा सब चले सब अब जाओ, जा सकते हो। इतने में चोरों ने तीसरी बात सुनी और कहने लगे कि अभी तो हमें बड़े प्यार से भेज रहे हैं, तो हम क्यों ना प्यार से, जैसे वो हड़बड़ा के उठा था ना ऐसे ही वो चोर हड़बड़ा के उठे, तो कोई चीज गिर गई, कोई चीज गिर गई, आवाज आई, भागे भागे बाहर गए कि कौन है कौन है। इतने में क्या देखते चोर है, चोर है, और वो आवाजें लगाने लगे, पकड़ो पकड़ो हमारे घर चोर, पकड़ो पकड़ो हमारे घर, सारे उनके पीछे भागने लगे, सारे पीछे भागने, सब चोरों को पकड़ने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि पकड़ो पकड़ो इनके घर, एक घर दो घर तीन घर तक करते करते बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई उन चोरों को भागने पकड़ने के लिए। चोर पकड़े गए, जब चोर पकड़े गए तो उनसे पूछा तुमने इनके घर से क्या चुराया। कहते हमने इनके घर से कुछ भी नहीं चुराया, इन्होंने बोला कि आप आ गए हो तो हम डर गए कि इन्होंने कहा कि बैठ जाओ तो हम बैठ गए, इन्होंने कहा चले जाओ हम चले आए। हम सच में कहते हैं हमने कोई भी चोरी, तो भक्तियानी की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। कहने लगे कि देखो अभी तो आपने सत्संग सुना ही नहीं, अभी तो सत्संग सुना ही नहीं, तब आपने आज हमारी जान बच गई, केवल आपने महापुरुषों की तीन शब्द सुने हैं, और तीन शब्द क्या, आप आ गए हो, आप सब बैठ जाओ और आप सब। इतने में क्या कहा, गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना कि। महापुरुषों के एक एक वचन में इतने गहरे राज होते हैं, जिसे समझ आ गए वो उन वचनों को हमेशा के लिए अपने हृदय में बांध के रख लेते हैं कि इस एक वचन
प्रत्येक एक वचन में बड़े गहरे राज हैं और जिसको तो दीपक गुरु का वचन है। चले जो लेकर साथ जगत अंधेरी कोठरी कभी न भटके पार। कि शब्द क्या है कि दीपक जो गुरु का वचन जो है ना वो दीपक के समान है। वो हमारे हमें इस अंधकार से निकालने के लिए एक वचन का सहारा है। उस वचन को जिसने थाम लिया पकड़ लिया, कहते हैं कि सत्संग में आने वाले व्यक्ति कुछ तो अमल करते हैं। एक जैसे राजा के दरबार में किसी ने तीन बंदर भेंट दिए। उन्होंने कहा बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे श्री परमहंस महाराज। अब तीन बंदर भेंट करे, अब जब तीन बंदर भेंट करे ना तो उन्होंने कहा कि इसमें से सबसे अधिक कीमत किसकी है, सबसे अधिक कीमत किस बंदर की है। तो बीरबल जो था ना, जो राजा के पास बीरबल का बड़ा होशियार था, उसने क्या करा, एक तिनका मंगाया। तिनका मंगाने के बाद उन्होंने ना उसको पहले कान में डाला, एक कान में डाला तो वो तिनका दूसरे कान से निकल गया। फिर उन्होंने दूसरे बंदर के कान में डाला तो वो मुंह से निकल गया। फिर तीसरे बंदर के कान में डाला तो वो कहां गया, सीधा उसके अंदर चला। तो कहने लगा महाराज जी जो तीसरा बंदर है ना ये सबसे ज्यादा कीमती। उन्होंने पूछा वो कैसे कीमती है, कहते जो पहला है ना वो एक से इधर से डाला और इधर से निकाल दिया। जानी महापुरुषों ने क्या इशारा करा कि सत्संग तो सुनते हैं, इधर से सुनते हैं और उधर से निकाल देते। और कुछ लोग सत्संग सुनते हैं, कानों से सुना और मुंह रस्ते दूसरों को सुनाकर अपने पे अमल नहीं करा, लेकिन मुंह रस्ते दूसरों को सुनाते वो मन का वही ठीक है वही खत्म कर दिया। और जो तीसरे होते हैं दोनों कानों से सुनते हैं, आंखों से सुनते हैं और उन्हें वचनों को अपने हृदय में बताते, उन वचनों के सहारे से अपने जीवन को चलाते। तो महापुरुषों ने क्या इशारा करा कि जिसको महापुरुषों की संगत मिल जाती है, उनकी संगति मिल जाती है, उसे जीने का असली मकसद समझ आ जाता है। क्या इस संसार में जो भी इंसान आया है, क्या खाने पीने सोने ऐशो आराम के लिए आया है। इस संसार में जिस उस मालिक ने हमें भेजा, केवल उस मालिक की बंदगी के लिए भेजा है। बंदा बंदगी करे ते बंदा, नहीं ते गंदे ना। अगर उस मालिक की बंदगी नहीं करी, कि उस कुदरत ने जब माता के गर्भ में 9 महीने रहने के बाद उसने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल कि ताकि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा और वक्त का 2.5 घंटे में आपको दूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे इस नरक से उस मालिक से वादा करा था। लेकिन जैसे ही जन्म लेता है 40 दिन तक उसे ये वादा भगवान से याद रहता है। आप देखो बच्चा जब छोटा होता है ना 40 दिन तक उसकी जबान ताली से हम सोचते हैं सो रहा है नहीं होता उसकी तार, क्योंकि कुदरत ने जन्म लेने से पहले हमें वो शब्द दे दिया होता है और शब्द 40 दिन तक उसे याद रहता है। जब 40 दिन बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो क्या कहते हैं, ये देखो ये मम्मी है, ये पापा है, ये चाचा है, उसको वो शब्द, ये मम्मी चाचा पापा दादी दादा, ये शब्द उसके कानों में पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जो मालिक से किया हुआ वादा वो क्या होता है, भूल जाता है, वो वादा भूल जाता है कि कमाई से ना तो वो दसवंध निकाल पाता है, ना समय का अपने 2.5 घंटे उस मालिक के अर्पण कमाई में कह दो ना। तो सबसे पहले कहते हैं हमारी घर की ही पूर्ति नहीं होती, दसवंध तो बहुत ज्यादा है, नहीं अपनी कमाई में से दसवंध निकालना तो मजाक है। कोई बिरले होंगे, लाखों में से कोई बिरले होंगे जो दसवंध और
समय का 2.5 घंटे तो छोड़ा, 2.5 मिनट नहीं किसी के पास। नहीं, बचपन होता है तो अभी समझ नहीं है, जवानी होती है तो अभी ऐशो आराम करने का टाइम है, बुढ़ापा है तो अब हमारे से बैठा नहीं। महापुरुषों ने शब्द क्या लिखा है, बचपन बीत जाता है खेल कूद में, बुढ़ापे में ना वो ताकत रह पाती है, जवानी उस मालिक से मिलने की राह दिखाती है, मगर किस्मत वालों की ही जवानी सुधर पाती है। केवल वो विरली रूहें होती है जो बचपन से ही उस मालिक के नाम में लग, लेकिन आजकल घोर कलयुग में देखो, किसी को कहो सत्संग में चलो, किसी पार्टी में जाना अच्छा लगता है, डीजे में नाचना अच्छा लगता है, लेकिन हमें सत्संग अच्छा क्यों नहीं अच्छा लगता, वहां पर हमारे से चौकड़ी मार के बैठा नहीं, क्यों नहीं अच्छा लगता सत्संग, क्योंकि वहां पर हमारे मन के ख्यालों की बातें, हमारे मन की बातें पूरी। सत्संग तो उसे अच्छा लगेगा ना जिसकी आत्मा की खुराक होगी, जिसे चाहना होगी, जिसे तड़प होगी, जिसे लगन होगी, केवल सत्संग उसे अच्छा लगता है। तो कहते हैं तन बैठा है सत्संग में, मन सहरा करदा रहता है, ए बख्शन हारा मेरा है, खैरा करदा शरीर बैठा है सत्संग में, लेकिन मन कहाँ है। कितने बजे जाने पार्टी पे, कितने बजे पार्टी शुरू होगी, फिर हमने कपड़े बदले, फिर हमने वहां जाने, ख्याल कहाँ है, नहीं ख्याल कहाँ घूम रहा है। बिरला कोई होगा जो सत्संग में बैठ के भी, सत्संग में शरीर को बिठाना केवल हम बैठना नहीं है, मन को बिठाना भी सबसे सत्संग में बिठाना है। तो गुरुमुखो अगर हमें महापुरुषों की संगत मिली है, उनकी चरण शरण मिली है, तो बहुत अच्छा कि आज आज के इस शुभ अवसर पर नहीं बहन जी ने उदम करके कि नहीं आज हमें क्या कराना है, घर में सत्संग कराना है। तो भी पोती के जन्मदिन का हमारी तरफ से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत मुबारक हो, और घर वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। गुरुमुखो हमें ये जो लाभ मिला है, गुरु महाराज जी से यही विनती करनी है कि पहले सबसे पहले भजन क्या बोलना था, पहले सतगुरु अपना मनाइए, जदों भी कोई काम, जब भी कोई खुशी वाला काम हो तो सबसे पहले किसकी याद आए, अपने मालिक की, अपने सतगुरु की याद आए, कि पहले उनके कार अगर हमारे किसी भी कार्य में गुरु महाराज जी शामिल हो जाते हैं ना, फिर मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम दाता मेरा नाम हो, फिर सब कुछ करने वाले वो मालिक आप बैठे होते हैं। तो गुरुमुखो आज के इस वक्त की सत्संग की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारक हो। बोल जयकारा, बोल साचे दरबार श्री परम हंस महाराज, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, हरा वाले रसिया मेरे मन वसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया, लगाओ रसिया, आओ आओ भोग
जाए